वोला आज हम आप सबको दिखाएगी कि कैसे हम इस कालीन में इसका स्पेसिफिकेशन बताएगी। ये कालीन हमने दुबई से मंगवाई है। तो आज हम लंबी राइड मार के आए एक शिमला से लेकर चंडीगढ़ तक, और हमारे साथ है, दिखा दो एक बार, HF हैंड्स फ्री। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो बनाते बनाते एकदम से बर्फ पड़ने लगी। वेलकम टू इंजीनियर सिंह चैनल। दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे छोटे से चैनल में स्वागत है, और आज हमारे साथ है शेल। हेलो। हेलो। सो दोस्तों आज हम लंबी राइड मार के आए एक शिमला से लेकर चंडीगढ़ तक, और हमारे साथ है, दिखा दो एक बार, HF हैंड्स फ्री। स्टीलबर्ड ने भेजा था रिव्यू के लिए। अब हम देखते हैं कि क्या ऐसी क्वालिटी है, क्या था सब कुछ। तो मैंने अनबॉक्सिंग कर दी आपको, ठीक है। अनबॉक्सिंग का वीडियो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पहले आप अनबॉक्सिंग देख लीजिए। उसके बाद आधे रास्ते मैंने इस हेलमेट को पहना है और आधे रास्ते शैल ने इस हेलमेट को पहना है। तो हम अपना अपना रिव्यू देंगे। शैल भी ब्लूटूथ इंटरकॉम यूज़ कर चुकी है, मैं भी ब्लूटूथ इंटरकॉम यूज़ कर चुका हूँ, एंड काफ़ी कुछ उसको कॉम्पिटिशन देने के लिए। हालाँकि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा कम है, पर फिर भी हम देखेंगे इसको। पहले इसका एक छोटा सा आपको अनबॉक्सिंग दिखा देते हैं, उसके बाद मैं और ये इसके बारे में रिव्यू दे देंगे, आपको बता देंगे कि हमें कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा। वर्थ फॉर 2199 है शायद से इसका प्राइस, अभी आप लोगों को बता देते हैं। तो लेट्स चेक इट आउट, देखते हैं थोड़ा सा इसके स्पेसिफिकेशंस में, एंड इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन, क्या क्या अलग दिया गया है। जैसे तो ये SBA 1 है, जो SBA 1 था, बस इसमें स्पेशल चीज ये है कि HF है, ठीक है। बाकी अंदर की पैडिंग वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ। इसके साथ क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले तो ये बता देता हूँ मैं आपको। ये देखते हैं हम आपको इसके साथ मिलता है ये, ठीक है। इसे खोल के देखेंगे ये क्या है। देखो इसको बकल से निकाला है यहाँ से मैंने, ठीक है। ऑक्स वायर होनी चाहिए इसमें, ठीक है, क्योंकि मैंने पापा के वीडियो देखे थे यार, ऑक्स वायर है इसमें, ठीक है। खोल के ये देखिए, ये ऑक्स वायर है, ठीक है। इसकी लेंथ वगैरह मैं आपको बता दूंगा कितनी है। क्वालिटी बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, 50 रुपये वाली नहीं है, 100 रुपये वाली लग रही है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप चुंडी, इसे हम चुंडी बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसे हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम बाद में देखेंगे इसकी लेंथ कितनी है, एंड सब कुछ देख लेते हैं एक बार। अगर आपने SBA 1 पहले नहीं देखा है हेलमेट, तो ये इस तरह से कुछ इसकी लुक्स होती है, ठीक है। इसके अंदर दिया होता है यहाँ पे वेंट, ये देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स एक तो हमने ऑक्स वायर आपको दिखा दी, बाकी ढंग से आपको उसको लगा के दिखाएंगे। दूसरी चीज दोस्तों हमें मिली है इसके साथ ये, ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये एक्सटेंडेबल है कि जिसका जो हेलमेट कम छोटा होगा वो उसको अंदर लगा के उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ये भी काफी अच्छी चीज है। ये जो ये अपने हर हेलमेट के साथ देते हैं, कनेक्ट बाय स्टील, ये विन कर सकते हो आप इस साथ, ये सब चीजें हैं, लक्की ड्रॉ प्राइजेस वगैरह वगैरह। अगर आपको दिख रही होगी तो देख सकते हैं आप, लक्की ड्रॉ निकल जाएगा आपका। मेरी तो किस्मत बड़ी खराब है, मेरे कभी नहीं निकलता। तो ये है हेलमेट आपके सामने। ये जो है इस हेलमेट की मेन चीज है, ठीक है। तो आप क्वालिटी देख सकते हैं, काफी अच्छी क्वालिटी है। एंड ये बटन दिया है शायद से आपको आवाज आ जाएगी उठाने के लिए कॉल, एंड कॉल काटने के लिए, ओके। एंड ये इसका पोर्ट है अंदर, 3.5 mm जैक, जहाँ पे लगेगा आपका ऑक्स वायर। बाहर से कुछ इस तरह से ऐसे सिंबलाइज किया हुआ है हेलमेट पे। चलते हैं अंदर पैडिंग की तरफ, इसकी पैडिंग कैसी है और स्पीकर्स कहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है स्पीकर, दिख रहे हैं आपको, नहीं दिख रहे तो मैं बाहर ही पट लूँगा इनको। आप सोच रहे होंगे इसका माइक कहाँ है, तो इसका माइक यहाँ पे अंदर है, ठीक है। उसके लिए आपको उसको खोलना पड़ेगा, जो कि नहीं खुलता, डिटैचेबल नहीं है इसका माइक। एंड चूंकि बहुत अच्छी बात है, आपका माइक जो है आपके मुंह पे नहीं लगेगा। इसका स्पीकर जो है ये है, यहाँ स्पीकर ये देख रहे हैं आप, ब्लैक इसका स्पीकर है, और ये आप देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहीं पे है जो आपके जो मैंने अटैचेबल आपको बताए थे, वो डिटैचेबल जो दो मिले थे वो यहीं पे फिक्स हो जाते हैं, जिससे इसका थोड़ा सा साइज जो होता है कम हो जाता है। प्लस ये एकदम वैसे लगेंगे आपको जैसे हेडफोन्स में होते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेम दूसरी तरफ भी लगा है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप,
ठीक है। अब बात करें एक बार पैडिंग की, तो पैडिंग क्वालिटी वैसे ही है, मतलब जिसको आप मीडियम रेटिंग देते हैं स्टीलबर्ड की पैडिंग को, ना इतनी बुरी ना इतनी अच्छी। इसे बाहर ले जाते हैं यार, शिमला की वादियां भी दिखाते हैं आपको साथ साथ में, और इसकी क्वालिटी भी दिखाते हैं साथ साथ में। उसके बाद इसको ले जाएंगे एक राइड पे चंडीगढ़ तक की, शिमला टू चंडीगढ़ 100 किलोमीटर फेस का आपको बताएंगे वहां पे जाके कैसा रहा था। तो दोस्तों लीजिए आप वादियों के मजे लेते लेते मैं थोड़ी सी हेलमेट के बारे में आपको चीजें बता दूं। इसका लुक सेम SBA 1 वाला है जो मैं पहले आपको बता चुका हूं। दूसरी चीज, ये टोटली वाटरप्रूफ है, इस पे पानी का कोई असर नहीं होने वाला, उसकी आप टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं इसे पानी में डुबो के भी देख चुका हूँ और बारिश और बर्फ में दोनों में चला के भी देख चुका हूँ दोस्तों। ठीक है, दोनों चीजें होगी। अब तीसरी चीज, इसे चार्ज तो नहीं करना पड़ता। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये है, बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े, सब पूछ रहे बैटरी भी इसे चार्ज करना पड़ता है क्या हेलमेट को, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये एक एयरफोन, ये एक हेडफोन की तरह काम करता है। जब आप इसे कनेक्ट करते हैं अपने ऑक्स केबल से 3.55 mm जैक में, तो ये क्या करता है, आपके मोबाइल से बैटरी लेता है, जैसे आपका हेडफोन्स या एयरफोन्स लेते हैं। ठीक है, लुक देख सकते हैं आप, साइड लुक देखिए इसका या फ्रंट लुक देखिए, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। एंड वाइज़र की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी दी गई है, ऐसा नहीं है कि क्वालिटी घटा दी है वाइज़र की या हेलमेट की क्वालिटी घटाकर उसमें आपको ऑक्स दे दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, क्वालिटी मेंटेन रखी है और ऑक्स भी दे दिया है। हम चाहते हैं बहुत जल्दी ये SBA 2 में भी आए, और जो बाकी स्टील बर्ड के मॉडल्स हैं SBA 42 ऐसे जो बाकी मॉडल्स हैं सब में ऑक्स आए। Meanwhile, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो बनाते बनाते एकदम से बर्फ पड़ने लगी, तो जब ये बर्फ रुक जाएगी तो हम बाइक को लेके जाएंगे एक लॉन्ग राइड पे, यानी चंडीगढ़ जा रहा हूँ मैं, तो चंडीगढ़ लेके जाऊंगा बाइक को, एंड बाइक के साथ साथ हेलमेट भी जाएगा स्टील बर्ड का, एंड वहां पे हम एक्यूरेट में आपको वहां पे पहुंच के बताता हूँ कि कैसे इसकी साउंड क्वालिटी है एंड ऑल। 3 hours later. तो दोस्तों अभी आपने देखा होगा कि वीडियो बनाते बनाते वहां पे मैं वीडियो के शॉट्स ले रहा था हेलमेट के, और एकदम से बर्फ पड़ने स्टार्ट हो गई थी। एंड मैं अपने फ्रेंड का बाइक ले गया था हिमालयन वहाँ पे, क्योंकि मेरे बाइक का कुछ चलान है साइलेंसर का, मेरे पास साइलेंसर कुछ ऐसा है कि उसका चलान है, तो हम वो वाला बाइक लेके गए थे। तो मैं और शैल फिर हिमालयन में आए हैं वहाँ से। पहले जान लेते हैं शैल से कि शैल को हेलमेट कैसा लगा। शैल, हेलमेट बहुत अच्छा है, बट ब्लूटूथ से अच्छा नहीं है। ब्लूटूथ के कंपेयर इसकी प्राइसिंग ठीक है, बट ब्लूटूथ मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी। यार ऑब्वियसली तो ज़्यादा करोगे क्योंकि महंगा है, तो महंगी चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करती हो। पर एक बात है कि नॉर्मली अगर देखा जाए, अगर ब्लूटूथ की कंपैरेटिवली, तो उसका प्राइस बहुत कम है। मतलब विद हेलमेट ये 2199 का आपको पड़ेगा, यानी 2200 का। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए कि ये वर्थ है लेना? हाँ वर्थ है, बिकॉज ऑफ दैट टाइम जब हम ट्रैवलिंग कर रहे थे, मेरी मदर की कॉल आई थी, तो वॉइस इतना क्लियर नहीं था, बट बाहर की शोर की आवाज उन्हें सुनाई नहीं दे रही थी। कूल। एंड आपको जैसे जब आपने पहना था, तो आपने गाने सुने इस पे? हाँ, गानों की अच्छी आवाज आ रही थी। एंड बाहर की आ रही थी आवाज, आपको ट्रैफिक की आवाज आ रही थी साथ साथ में? बहुत रियर, बहुत कम। हम बहुत तेज सुन रहे होंगे गाने। तो फ्रेंड्स ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो काफी स्लो गाने सुने, ठीक है, इतने ज़्यादा मत सुने कि आपको इधर उधर ट्रैफिक की आवाज़ ना आए। आपको ट्रैफिक की आवाज़ आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसा क्या होता है, आपको ड्राइविंग में ये काम आता है ये सब चीज़ें। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं एक इंटरकॉम आपस में बात करने के लिए, या गाने सुनने के लिए, या फिर कॉल्स के लिए, तो अभी ये बेटर ऑप्शन है इस रेंज में आपके पास। हालांकि HF ये SBA 1 में दिया है इन्होंने। एक बार मैं आपको पहन के दिखा देता हूँ बाइक पे कैसा लगेगा, एक बार मैम पहन के दिखा देगी आपको बाइक पे कैसा लगेगा, आप आइडिया ले सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। कीप वॉचिंग। अरे कीप सब्सक्राइबिंग। ये तो दोस्तों देख सकते हैं आप एक टोटल लुक, तो शेल पे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड बेसिक चीज़ ये है मैं जो आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि कई लोग सोच रहे थे कि इसकी जो ऑक्स वायर है उससे इरिटेशन हो सकती है, पर ऑक्स वायर से बिल्कुल इरिटेशन नहीं होती। इसको तो नहीं हो रही थी मेरे को, मैंने भी यूज़ किया तो मुझे तो नहीं हो रही थी। देख सकते हैं आप, इसका बड़ा अच्छा क्लिप दिया है, जिस क्लिप को मैंने लगाया है साइड में, तो मुझे तो बिल्कुल इरिटेशन नहीं हो रही थी। पहले मुझे लगा था कि हो सकता है इरिटेशन हो, ठीक है,
यूज़ करते हुए स्पेसिफिक में बोलना चाहूँगा कि हाँ फिर से कि क्वालिटी अच्छी है बात की, पर वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, पर यस इस प्राइस में ये बेस्ट चीज़ अभी अवेलेबल है। Keep watching, friends.